और अब खबर खेल के मैदान से। आरएम गोल्ड वॉस कप के फाइनल में जिंदल पैंथर ने अपनी जगह पक्की कर ली है। एचवीआर पोलो टीम के खिलाफ हुए मुकाबले को जिंदल पैंथर ने 3.5 अंकों के बड़े अंतर से जीत लिया है। आरएम गोल्ड वॉस कप के अपने दूसरे मुकाबले में जिंदल पैंथर की टीम ने सामना किया एचवीआर पोलो का। 8 हैंडीकैप के खिलाफ 7 हैंडीकैप के साथ उतरने के चलते खेल की शुरुआत से ही जिंदल पैंथर को आधा अंक दिया गया था, लेकिन इस फायदे को एचवीआर पोलो के सलीम आजमी ने पहले चक्कर में ही गोल करके खत्म कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही सिमरन शेरगिल ने जवाबी गोल दाग कर फिर से बढ़त हासिल कर ली, जिसे एक बार फिर एचवीआर पोलो के प्रणव कपूर ने गोल दाग कर खत्म कर दिया। पहला चक्कर खत्म होने तक मुकाबले में एचवीआर पोलो की टीम जिंदल पैंथर से 1.5 के मुकाबले 2 गोल से आगे रही। दूसरे चक्कर में दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला जरूर देखा गया, लेकिन जिंदल पैंथर के स्टार प्लेयर मिगेल सारावीया इस बार एक्शन में नजर आए। दूसरे चक्कर में 2 गोल दाग कर मुकाबले को पैंथर की तरफ मोड़ दिया। दूसरे चक्कर के बाद स्कोर लाइन रही एचवीआर पोलो 2 गोल और जिंदल पैंथर 4.5 गोल। तीसरे चक्कर में एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच जमकर मुकाबला हुआ। मुकाबले में पिछड़ चुकी एचवीआर पोलो के भरोसेमंद खिलाड़ी सलीम आजमी ने अपना दूसरा गोल दाग कर टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन कुछ ही देर बाद जिंदल पैंथर के मिगेल सारावीया ने मुकाबले में अपना तीसरा गोल लगाकर टीम को मैच में आगे बनाए रखा। नतीजतन तीसरे चक्कर के बाद जिंदल पैंथर की टीम 3 गोल के मुकाबले 5.5 गोल से आगे हो गई। अब यह रोमांचक मुकाबला अपने आखिरी चक्कर में था। एचवीआर पोलो की टीम को मैच में बने रहने और जीतने के लिए 3 गोलों की आवश्यकता थी, लेकिन जिंदल पैंथर की टीम किसी भी दबाव में खेलती नजर नहीं आई। सिमरन शेरगिल की आक्रामकता भी एचवीआर पोलो पर भारी पड़ी और उन्होंने अपना तीसरा गोल दाग कर मुकाबले को पैंथर की झोली में डाल दिया। चौथे चक्कर के बाद जिंदल पैंथर ने इस मैच को 3 के मुकाबले 6.5 गोल से जीत लिया। इस हार के साथ ही एचवीआर पोलो टूर्नामेंट से बाहर हो गई और जिंदल पैंथर ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल मुकाबला सोना पोलो और जिंदल पैंथर के बीच रविवार को खेला जाएगा। तेजविंदर सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और जिंदल पैंथर के स्टार खिलाड़ी सिमरन शेरगिल से खास बातचीत के हमारे सहयोगी रिया बामनियाल ने, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। आरएम गोल्ड वॉस का आज था सेमीफाइनल्स और जिंदल पैंथर पहुंच चुकी फाइनल्स में। मेरे साथ अभी सिमरन से बातचीत करते हैं। सिमरन, आज के मैच के बारे में बताइए। अच्छा गेम राज हमारे लिए, शुरू से आई थिंक फर्स्ट चक्कर में हम क्लोज थे, आई थिंक काफ़ी क्लोज था स्कोर, बट आफ्टर द सेकंड चक्कर हमने लीड ले ली एंड वी वर सक्सेसफुल टू मेंटेन दैट लीड। ग्राउंड कंडीशंस इतने अच्छे नहीं हैं, ग्राउंड थोड़ा बाउंसी है, तो हमने सोचा था कि शुरू से ही कि लास्ट चक्कर में जब हम जाएँ हमारे पास कुछ गोल्स की लीड होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इन द एंड विद अ लॉट ऑफ प्रेशर इज डिफिकल्ट द फील्ड इज बाउंसी टू स्कोर द गोल्स। सो द प्लान वर्कड आउट एंड नाउ वी हैव अ वेरी टफ गेम ऑन संडे अगेंस्ट सोना। जिंदल पैंथर का मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, दे स्टार्ट स्लो, लाइक स्टार्टिंग में थोड़े पीछे होते हैं पर धीरे धीरे करके लाइक बीच के चक्कर्स में आगे पहुंच जाते हैं। बेसिकली अभी इस सीज़न का ये पहला टूर्नामेंट है, तो और घोड़ों के लिए अभी 2 महीने का ब्रेक रहा है, ये पहला टूर्नामेंट है उनके लिए। सो हम और अभी 4 वीक्स इसके बाद और हैं खेलने के लिए, तो हम ये नहीं चाहते कि शुरू में वी पुश देम टू स्ट्रॉन्ग एंड दे कुड बी इंजरीज। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई आई थिंक द स्टार्ट कुड बी अ बिट स्लो, बट इट्स गोइंग वेल सो फार। सो फाइनल्स Finals now against Sona, so we've had a good record against them. So I hope, but their team is completely different now. Unki team mein Daniel Otamendi, ek Argentine player, bahut acche, wo khel rahe hain, aur Abhimanyu bahut acche form mein, aur Sanjay Kapoor bahut acha khelte hain hamesha. तो एंड जन्मेजय हैं जोधपुर से, बहुत अच्छे यंग प्लेयर हैं, अभी इंडिया के आई थिंक अपकमिंग प्लेयर्स में से अच्छे प्लेयर्स में से एक हैं, तो हमारे लिए बहुत टफ फाइट है। इनकी टीम सोना टीम बिल्कुल डिफरेंट है पिछले सीजन से, तो इट विल बी क्वाइट टफ फॉर अस। ऑलराइट, सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल्स एंड गुड लक फॉर दैट। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए सिमरन। थैंक यू। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ रिया बामनियाल, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।